इसी के साथ रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर बैतूल से, जहां बोरवेल में फंसे 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। 400 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया था बच्चा। रेस्क्यू टीम ने 84 घंटे बाद बच्चे को बाहर निकाला। बता दें 39 फीट की गहराई में फंसा था बच्चा। रेस्क्यू टीम ने 44 फीट गहरा गड्ढा खोदा। 9 फीट की हॉरिजॉन्टल सुरंग खोदकर बच्चे को निकाला गया। रेस्क्यू में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 61 जवान लगे थे और लगातार जो है 84 घंटे तक ये खुदाई का काम चला और फिर भी बच्चे को बचाना आ सके। सुबह 5 बजे बच्चे का शव गड्ढे से निकाला गया। बोरवेल में फंसे 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। 400 फीट गहरे बोरवेल में फंसा था बच्चा। रेस्क्यू टीम ने 84 घंटे बाद बाहर निकाला शव। रेस्क्यू टीम सुबह 5 बजे जो है बच्चे का शव रेस्क्यू टीम द्वारा बाहर निकाला गया। 39 फीट की गहराई में बच्चा जो है फंस चुका था। 44 फीट गड्ढा खोदा और फिर 9 फीट की हॉरिजॉन्टल सुरंग खोदकर बच्चे को बाहर निकाला गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो है पिछले 3-4 दिनों से बच्चे को निकालने की पूरी कोशिश की गई थी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान तैनात थे और लगातार दिन रात ये खुदाई का काम चल रहा था, मगर फिर भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका और आज सुबह 5 बजे गड्ढे से बच्चे का शव निकाला गया। और काफी दर्दनाक घटना बैतूल से सामने आई है, जहां 8 साल का बच्चा जो बोरवेल में गिर गया था, खेलते खेलते जो है उसका पैर बोरवेल में चला गया, जिसकी वजह से वो बोरवेल में गिर गया था और लगातार उससे उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। गड्ढा खोदा गया मगर फिर भी 84 घंटे सतत गड्ढा खोदने के बावजूद भी बच्चे तक नहीं पहुंचा जा सका और फिर उसे आज सुबह 5 बजे बच्चे का शव बरामद किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैतूल से। बता दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार पिछले 84 घंटे से, पिछले आने 2-2.5 दिनों से लगातार बच्चे का शव निकालने में जुटी थी। 61 जवान तैनात थे, साथ ही शहरवासी भी तैनात थे वहां पर। सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि जैसे तैसे बच्चे को निकाल लिया जाए, मगर दुर्भाग्यवश बच्चे को निकालने में नाकामयाबी साबित हुई और जो है सुबह 5 बजे बच्चे को मृत अवस्था में, मृत हालत में गड्ढे से बाहर निकाला गया। तो बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं, जहां 8 साल के बच्चे को की मौत हो गई। बता दें पिछले दिनों, बीते दिनों गड्ढे में गिर गया था बच्चा, जिसे निकालने के लिए लगातार जो है रेस्क्यू टीम जुड़ी थी। लगातार 84 घंटों से बच्चे को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बच्चे को गड्ढे से नहीं निकाला जा सका। परिवार वालों का भी अब बुरा हाल है, क्योंकि 8 साल के मासूम को उन्होंने खो दिया। काफी ज्यादा मशक्कत की रेस्क्यू टीम ने, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 61 जवान मौजूद थे, मगर फिर भी बच्चे को बचाया ना जा सका। और इसी के साथ बैतूल से हमारे संवाददाता राजेश पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बीते दिनों जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें एक 8 साल का बच्चा बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था और लगातार उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम तैनात थी, शहर वाले भी तैनात थे, मगर उसे बचाया ना जा सका और आज जो है सुबह बच्चे का शव गड्ढे से बरामद किया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी स्मिता जी, ये मंगलवार की शाम को जो तन्मय बोरवेल का जो गड्ढा था उसमें गिर गया था और उसके बाद लगातार प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा था, जिसमें हार्ड रॉक होने के कारण, कड़क चट्टाने निकलने के कारण लगभग 84 घंटे बाद तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है आज सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास। लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया गया और जिला अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम करके शव भी परिजनों को सौंप दिया गया है और परिजनों को कहना है कि ताप्ती घाट पे ही तन्मय का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी राजेश, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बड़ी लापरवाही, मतलब जिसने वहां पर बोरवेल का गड्ढा खुदाया था तो बड़ी लापरवाही उसके द्वारा की गई, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी देखा है कि ऐसे केस, ऐसे मामले सामने आए हैं, तो अब उस पर क्या कार्रवाई होगी?
देखने में तो आ रहा है लगातार, कहीं ना कहीं प्रदेश में और देश में भी इस तरह के लगातार केस होते चले जा रहे हैं कि बोरवेल के गड्ढे को खुला छोड़ दिया जाता है, और जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तब फिर थोड़ा सा प्रशासन का ध्यान जाता है। अब आधिकारिक तौर पे कह रहे हैं कि जो भी इसके पीछे जिनके भी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी करके, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है। परिवार का अभी क्या, जाहिर सी बात है कि 8 साल के मासूम को परिवार, बच्चे को खोया है परिवार ने, तो क्या स्थिति है अभी वहाँ पर? परिजन तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन गांव में पूरा मातम छाया हुआ है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि शायद तन्मय कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दृष्टि से शायद जीवित हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको बैतूल से बताई, जहां 8 साल के तन्मय का रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया। बता दें 84 घंटे से लगातार उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, मगर तन्मय को बचाया ना जा सका। और आज सुबह 5 बजे बच्चे का शव बोरवेल से बरामद किया गया।